साकीनाका पोलिस स्टेशन अंतर्गत बीट क्रमांक 4 उद्घाटन समारंभ मुंबई पोलिस कमिश्नर श्री विवेक फणसळकर साहेब व विश्वास नांगरे पाटील साहेब यांच्या उपस्थित व बळवंत देशमुख साहेब, माजी नगरसेवक वाजिद कुरैशी, समाजसेवक शहजाद खान, मनसे नेते सुमित बारसकर व सर्व रहिवाशांनी सहभाग घेऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. मुंबई पोलिस कमिश्नर व इतर अधिकारी यांचे मनापासून अभिनंदन. नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक. PRSS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है. आज 15 अगस्त 75वें आज़ादी के दिवस पर आज जरी मरी साकीनाका के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और मुंबई पुलिस कमिश्नर के हाथों जरी मरी चौकी का बीट नंबर 4 का उद्घाटन किया गया. तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब से पूछेंगे, सर आज जो ये साकीनाका में पुलिस की जो समस्या थी, बीट नहीं था, चौकी नहीं थी, वो सारी समस्याओं को आपने सॉल्व करते हुए एक अच्छे अच्छे पुलिस चौकी बीटों का निर्माण करवाया, इसमें क्या कौन कौन सहयोग किए और क्या विचार आया था कि इसका निर्माण जरूरी था? सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी साकीनाका कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो जरीमरी चौकी है उसके रहने वाले सभी रहवासियों को स्वातंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ. और ये जरीमरी चौकी में जो बीट नंबर 4 है उसकी चौकी अच्छी नहीं थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हुई थी, बैठने की जगह नहीं थी. जो स्थानिक जो लोग हैं वहाँ के, यहाँ से कॉर्पोरेटर नगर सेवक वाजिद कुरैशी, माजी मंत्री महोदय नसीम खान साहब, साजद खान, बाकी भी बहुत से लोग हैं, उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ये चौकी बनाने के लिए. और अभी चौकी 1+1 चौकी बनाई है, उसके माध्यम से यहाँ हम चौकी में
डे नाइट में एक एक ऑफिसर और अमलदार भी रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, हर इस काम करते रहेंगे, उसमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, अगर कोई भी गुनाह होता है तो हम उसके आरोपी को पकड़ने की पूरा कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि 3 दिन पहले एक तनिष्क फातिमा से एक औरत है 60 साल की, और उसने घर बनाने के लिए गए 6 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया था, उसका चोरी हुआ था, तो उसको बहुत दुख हुआ था। और हमने उस केस में 4,90,000 24 घंटे के अंदर में हमने रिकवरी कर दिए। वैसे हम ऐसे ही काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा या क्राइम प्रॉपर्टी ऑफेंस रहेंगे उसके, उसमें जल्द से जल्द हम आरोपी को पकड़ेंगे, उसका शासन होने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और इसमें पूरा लोगों का हमें सहयोग होना चाहिए। आज चौकी CP साहब ने उद्घाटन किया, इसके पहले CM साहब ने उद्घाटन किया, आपका तो चारों तरफ से आपका हाथ सगुन ही सगुन है सर। ऐसा नहीं, ये सब लोगों का जो सहयोग है उनकी वजह से, उनकी कृपा से हुआ है। लास्ट टाइम भी अभी के जो मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब है, उन्होंने काजूपाड़ा चौकी का उद्घाटन किया था, और आज के दिन भी हम DCP महेश्वर रेड्डी साहब ने CP सर को रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। इतना बिजी शेड्यूल में भी सर आ गए, और मुझे बहुत खुशी है कि 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिन पर पुलिस खाते में जो सबसे बड़े अधिकारी है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई विवेक फणसळकर सिंह, उन्होंने अपना चौकी का उद्घाटन किया, तो हम उसके बारे में उनका आभार व्यक्त करते हैं, और हमको बहुत खुशी है उसके बारे में। इसी पे हम PRSS न्यूज़ के माध्यम से गणपति का जो त्यौहार आ रहा है, मूर्ति स्थापना का, ACP साहब बताएंगे कि कैसे जनता को क्या मैसेज देंगे कि मूर्ति स्थापना पंडाल कैसे बनाया जाए, कैसे सुरक्षा रखा जाए। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभेच्छा। आगामी जो अभी सन उत्सव आ रहे हैं उसमें अभी सबसे महत्व का सन जो है गणेश उत्सव, उस टाइम में पुलिस विभाग की तरफ से आवश्यक वो आपको सब निर्देश दिए जाएंगे। सभी गणेश मंडल कार्यकर्ता, सभी मंडल वालों को बुला करके कायदा सुव्यवस्था के बारे में मीटिंग ली जाएगी, और जो भी नियमावली है वो आपको सबको डिटेल में आपको बताई जाएगी। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि अभी जो गणेश मूर्ति की जो पंडाल है जहाँ पर गणेश मूर्ति की बिक्री होने जा रही है, वहाँ पर गर्दी जहाँ होती है उस जगह पर आप सुरक्षा बनाए रखिए, खबरदारी लीजिए। और जो गणेश विसर्जन की गणेश की मूर्ति की जो स्थापना है उस वक्त में सभी लोगों ने अपनी ओर से खबरदारी और काळजी लेने की आवश्यकता है। तो इसी तरह हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और ACP साहब ने जनता को एक अच्छा मैसेज दिया है। PRSS न्यूज़ आज 75वें वर्षमान गांठ पर जो सभी देशवासियों को खूब खूब बधाई देता है, और सभी पुलिस वालों को जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, उन सभी को वार्षिक खूब योगेश शेट्टी की विवेकजी फणसळकर साहेब यांच्या शुभ हस्त। आणि आता या कंतारिया हॉलमध्ये आपण जरीमरी चौकी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्या ठिकाणी आपण पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि अंबलगाव ज्यांनी विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे यांना प्रशंसापत्र प्रदान करीत आहोत। आदरणीय श्री विवेकजी फणसळकर साहेब, पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई, आपणास आम्ही विनंती करीत आहोत की आपल्या शुभ हस्ते आपण हे प्रशस्ती प्रशंसापत्र प्रदान करायचं आहे। सर्वप्रथम आहेत पोलीस नायक चंद्रकांत पवार, साकीनाका पोलीस ठाणे अंतर्गत त्यानंतर आहेत पोलीस नायक विनोद भिंगावडे, साकीनाका पोलीस ठाणे अंतर्गत चांदिवली येथील HDFC बँकेच्या ATM मध्ये त्यांना मिळालेले 20,000 रुपये रोख रक्कम प्रामाणिकपणे बँकेत परत करून त्यांनी संबंधित खातेदारास मिळवून दिलेले आहेत, याकरता यांना प्रशंसापत्र प्रदान केलं जात आहे। पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र नागरे, साकीनाका पोलीस ठाणे अंतर्गत गुन्हा क्रमांक 1848 कलम 381 भादळी मधील आरोपितास बांदा उत्तर प्रदेश येथून अटक करून 16,50,000 रुपये हस्तगत करून गुन्हा उघडकीस आणलेला असून या कामगिरीबद्दल त्यांना प्रशंसापत्र प्रदान करण्यात येत आहे। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोकुळ जगताप,
साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत बीट क्रमांक 4 जरीमरी चौकीचे नूतनीकरण करण्याकरता जनतेच्या सहभागातून निधी प्राप्त करून चौकीचे बांधकाम केलेले आहे म्हणून यांना प्रशंसा पत्र आपण प्रदान करीत आहोत। गवारे साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत सायबर सेल अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावत असताना तक्रारदार यांचे एकूण रुपये 34 लाख परत मिळवून देऊन उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे म्हणून प्रशंसा पत्र बहाल करण्यात येत आहे। आदरणीय श्री विवेकजी फणसळकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण हे प्रशंसा पत्र प्रदान करीत आहोत। पोलीस नाईक चंद्रकांत पवार साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 1848/22/381 मधील आरोपी दास बांदा उत्तर प्रदेश येथून शिथापीने अटक करण्याकरता जनतेच्या सहभागातून निधी प्राप्त करून चौकीचे बांधकाम केलेले आहे म्हणून यांना प्रशंसा पत्र आपण प्रदान करीत आहोत। गवारे साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत सायबर सेल अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावत असताना तक्रारदार यांचे एकूण रुपये 34 लाख परत मिळवून देऊन उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे म्हणून प्रशंसा पत्र बहाल करण्यात येत आहे। आदरणीय श्री विवेकजी फणसळकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण हे प्रशंसा पत्र प्रदान करीत आहोत। पोलीस नाईक चंद्रकांत पवार साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 1848/22/381 मधील आरोपी दास बांदा उत्तर प्रदेश येथून शिथापीने अटक करून 16,50,000 रुपये हस्तगत करून गुन्हा उघडकीस केलेला आहे आपण प्रशंसा पत्र प्रदान करीत आहोत। पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र नागरे पोलीस नायक चंद्रकांत पवार पोलीस शिपाई आदित्य जाधव साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत बीट क्रमांक 4 जरीमरी चौकीचे नूतनीकरणाकरता जनतेच्या सहभागातून निधी प्राप्त करून चौकीचे बांधकाम केलेले आहे पोलीस नायक आदित्य पवार जोरदार टाय होऊ द्या। पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई हे सदर प्रशंसा पत्र पोलीस नायक गणेश गायकर साकी नगर पोलीस ठाणे अंतर्गत सायबर सेलमध्ये कर्तव्य बजावत असताना तक्रारदार यांचे एकूण 34 लाख परत मिळवून देऊन उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल हे प्रशंसा पत्र प्रदान करण्यात येत आहे। धन्यवाद। 60,000 रुपये ही रक्कम आपण परत करत आहोत। श्रीमती तानिश फातिमा शेख जोरदार टाळ्या होऊ द्या। साकी नाका पोलीस स्टेशनच्या अंमलदार आणि अधिकाऱ्यांनी केलेली उल्लेखनीय कामगिरी आहे। त्यानंतर आहे तर श्रीमती नम्रता पेंडुलकर गुन्हा क्रमांक 361/18 अभिषेक आत्माराय सौरभ जयवंत चांदे आणि श्रीमती सरोज शशांक शेखर महंती याचा नमस्कार। मुंबई पोलीस सनम पोलीस आयुक्त कायदा व सुव्यवस्था विश्वास नांगरे पाटील या इंजनचे अपर पोलीस आयुक्त श्री विनायक देशमुख पोलीस उपायुक्त श्री महेश्वर रेड्डी सहायक पोलीस आयुक्त सूर्यवंश नवीन असल्यामुळे ते नाही मी नवीन असेल वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री देशमुख या संस्थेचे एटीआय श्री दत्ता गोकुल दत्ता उपस्थित मुंबई पोलीसचे पोलीस स्टेशनचे आणि अंमलदार और इस विभाग के सब नागरिक नगर सेवक माजे और उनके में सब भाई और बहनों सर्वप्रथम मी या चौकीचं उद्घाटन करण्याचं घोषित करतो आणि ही चौकी आपल्या इथल्या नागरिकांच्या सेवेमध्ये समर्पित करतो।
आपल्याला आश्वासन देतो की आमचे जे अधिकारी आणि अंमलदार आहेत आचरण व्यवस्थेत काम करतच असतात, परंतु काम करत असताना सर्व नागरिक, सर्व जाती, सर्व धर्म, सर्व भाषा, सर्व नागरिक आहेत। आम्ही सर्वांना आपलं मानतो, आम्ही सर्वांना समान मानतो आणि याच भावनेतून आतापर्यंत जे काम करत राहिलेले आहेत ते पुढे याहीपेक्षा उत्तम काम करतील अशी मी आपल्याला ग्वाही देतो। ये इलाका मैंने अभी देखा है, मेन रोड पुराना में जब आया था उसके बाद आज ही आया हूँ और बारिश भी है और भीड़ भी है और मौसम भी है, भगवान की कृपा है कि अभी थोड़ी धूप आई हुई है, और तो मुझे चिंता थी कि अगर बारिश आती तो क्या होता। आप लोगों का हमेशा पुलिस दल को सहयोग, जितने पिसते गए मैं उतनी ही बिखरती हूँ, इसलिए पिसने से बाहर नहीं आते, बट आप मेहनत को अपनाएंगे। जितने पिसते गए मैं उतनी ही बिखरती गई, कुछ अपने लिए कुछ अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।